दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। क्या आप लोग जानते हैं रैगांव विधानसभा मध्य प्रदेश की संभवतः इकलौती ऐसी विधानसभा है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ मध्य प्रदेश में दर्ज कराया जा सकता है। सतना जिले की रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। रैगांव विधानसभा के साथ सौतेलापन कांग्रेस ने भी किया और भाजपा भी कर रही है। 5 बार से रैगांव विधानसभा में भाजपा के जुगल किशोर बागरी ने परचम लहराया। जनता दल और बहुजन समाज पार्टी भी यहां से जीती, मगर किसी ने रैगांव को मिला एक विकास के रिकॉर्ड का तमगा नहीं तोड़ पाए। रैगांव मध्य प्रदेश की संभवतः इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां न नगर पंचायत है, न नगर परिषद और ही नगर पालिका। रैगांव विधानसभा का रैगांव आज भी ग्राम पंचायत है। भाइयों, इससे यह अंदाज लगाएं रैगांव कितना विकास कर पाया है। रैगांव मध्य प्रदेश का सबसे गरीब पिछड़ा विधानसभा का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। यहां उपचुनाव होने वाले हैं, मंत्रियों नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है। कोई चेहरे से चुनाव लड़ना चाहता है, कोई पैसों के दम पर चुनाव लड़ना चाहता है, मगर विकास की बात कोई नहीं करता। लोग आज भी सिर्फ एक पक्की सड़क बनवाने के लिए मतदान बहिष्कार तक की घोषणाएं कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि रैगांव विधानसभा कितना पिछड़ा हुआ है। आइए, नेताओं के विकास के इस प्रयास में हम आप भी शामिल हो, चेहरे को जिताएं चाहे पैसे को जिताएं। विकास हारा है, हारा ही रहेगा। चलो सभी मिलकर नेताओं के विकास हेतु रैगांव उपचुनाव में अपने अपने स्तर पर शामिल हों।